वो संग्रह ग्रंथ इतने अधिक बनते थे कि हर मुनि एक संग्रह बना लेता था। क्यों? कि उसे पाठ करना है रोजीना, और ज्यादा तो रख नहीं सकता है। वो पुराने हस्त ताड़ पत्र होते थे, क्योंकि वो न गर्मियों में धूप से जले, न बरसात के पानी से गले, न उनके अक्षर खराब हों, छेद कर करके बनाते थे ना, तो वो बहुत लिमिटेड रख सकते थे। तो जो चीजें उनकी रोजाना की आवश्यक थी उनके लिए, तो उनको वे उसमें संग्रह कर देते थे। अभी भी आप देखो ना, पूजन की पूजन संग्रह क्यों, कि यहाँ की सब पूज रहे हैं, एक दानद राज्य के, भूराज जी की, एक बल जी की, फलाने की, इकट्ठी कर करा करके, और उन्होंने इकट्ठी कर ली, और हमको ये उनके दक्षिण पूजन चाहिए, और पंचमेरु चाहिए, फलानी चाहिए, और ये चाहिए और ये चाहिए, हमारे मंदिर श्री मंदिर विराजमान थे, श्री मंदिर की चाहिए, वो इकट्ठी कर ली उनके हिसाब से। तो हर एक आदमी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से इकट्ठी कर लेता है। तो वो हर साधु अपनी उस चीजों को इकट्ठी कर लेता था, और वो फिर वो किताब किनकी है, जैसे अपन अपन नाम लिखते ना कि रमेश की है, फिर सुरेश की, तो वो मुनि महाराज लिख देते अपने नाम ऊपर कि ये जो संग्रह की पुस्तिका है वो मेरी है। पहचान के लिए रखना पड़ता है ना, तो वो उनका नाम हो जाता है। इधर भी संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमीचंद की एक बनाई एक गाथा नहीं है, नेमीचंद ने तो संग्रह की, समझे ना, और वो गाथाएं उन्होंने छह द्रव्य संबंधी गाथाएं रख ली, और उसमें पांच छह द्रव्यों वाली भी रख ली, रत्नत्रय वाली भी रख ली, और सात तत्वों वाली भी रख ली, लेकिन तीनों जरूरी थी, एक अध्यात्म की दृष्टि से, एक उसकी दृष्टि से सिद्धांत की दृष्टि से, एक द्रव्य व्यवस्था की दृष्टि से, और द्रव्य संग्रह उसका नाम रख दिया। एक बार लघु द्रव्य संग्रह होगी 26 गाथा की, फिर 52 गाथा की कितनी होगी, बृहद द्रव्य संग्रह होगी 60 की, फिर और बृहद द्रव्य संग्रह बन गई दूसरी। तो इस तरह वो संग्रह करते थे काल में, है ना। तो अब वो ऐसे ग्रंथ ऐसे कई तैयार हो गए, समझिए ना। तो वो उन ग्रंथों के आधार पर उसमें संग्रह के लिए दो तरह का क्राइटेरिया होता था। एक तो वो कि जो रोजाना उन्हें जिसका पाठ करना है, और एक वो कि जिसका उन्हें स्वाध्याय करना है, बस एक दफे पढ़ लेंगे वो छोड़ देंगे। तो वे रोजाना के पाठ वाली चीजें वो अपने संग्रह में साथ में रखते थे, और वे दूसरी और जो चीजें होती थी उनको फिर जितना पढ़ लिया तो कहीं किसी मंदिर में छोड़ दी, और अपन दूसरी चीज संग्रह करेंगे। तो इस तरह से आदान प्रदान आपस में होता रहता था, और वे स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनकी वो चलती थी। तो ये जो समय साथ जैसे है, तो कहीं तो इतनी कंजूसी करेंगे जैसे तो बताया ना, ये एक अक्षर कम हो जाए, और कहीं कहते वो तो हमें नवोकार मंत्र 108 दफे बोलना है। अब कहते मैंने नवोकार मंत्र क्यों 108 दफे बोलना, एक ही दफे बोलना रखो ना, तो और नई चीज बोलो। तो इसको तो 108 दफे बोले और हम इतनी कंजूसी करें, है ना। तो इस तरह जो पाठ की चीजें होती थी उसको वे रिपीटिशन में नहीं घबराते थे। वो 108 प्रकार के कर्मों का करना है तो उनका निषेध के लिए 108 दफे बोलेंगे। यदि उनको मन वचन का है, कृतकायतन मोदना का करना है, तो 108 भंग बना करके आपको बोलेंगे कि मैं मन से ये नहीं करता हूँ, मैं वचन से ये नहीं करता हूँ, मैं काया से ये नहीं करता हूँ, मैं मन से करता नहीं हूँ, मैं वचन से कराता नहीं हूँ, मैं अनुमोदना नहीं करता हूँ, ऐसे बना बना करके वो भंग बनाएंगे। वो अभी आगे आने वाले हैं सब। तो अभी आप कहेंगे कि एकदम इतना रिपीटिशन कैसे, इतना रिपीटिशन आएगा कि हम और तुम भी घबरा जाएंगे, कह देंगे बाकी तुम पढ़ लेना हमने बता दी स्टाइल, आचार्यों ने नहीं किया, उनने तो पूरे लिखे, तभी तार पत्र पर लिखना कितना कठिन था, उसको साथ में ढोना कितना कठिन था, और हमारे लिए क्या है, सब तैयार ही है। तो हम लिखने में भी कंजूसी करते हैं, वहां भी बार बार आता कि अपने ऐसा लिख दो कि बाकी के ऐसे ही लगा लेना, भंग बना लेना। ऐसा प्रयोग कुंद कुंद ने भी किया,
उनने कह दी कि ये गाथाएं तुम ऐसी बना लेना, कितनी 16 गाथा बना लेना और 21 गाथाएं बना लेना, एक एक इंद्री की लगा करके, कर्म की लगा करके बनाई ऐसे। तो वो भी प्रयोग किया कि तुम बना लेना, और कहीं पर वो नहीं किया कि 32 कलश 20 कलश बना, वहाँ ऐसी कंजेसी नहीं करी। एक ऐसे बद्धो न तथा परस है द्वावती पक्ष पाता हूँ तत्वेदी चित्र पक्ष पाता हम, तो ये उसने उनको 20 पंक्ति को लिख दिया है ना। तो वो अपेक्षा समझेंगे तो हमको एक प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि कहाँ। इसका मतलब ये है कि आचार्य उसका कितना महत्व समझ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उस पर इतना वजन दिया है, ऐसी कोई गलती वलती नहीं की है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, आत्मख्याति पढ़ रहे थे ना, गाथाओं का अर्थ तो कर लिया है। ज्ञान स्वभावी पेज नंबर 44 पे, ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा से भिन्न भावों में इस प्रकार चेतना, चेतना माने सोचना जानना मानना, इस सब का नाम चेतना है ना, कि ये मैं हूं यह अज्ञान चेतना है, और यह अज्ञान चेतना दो प्रकार की होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो एक इतना अर्थ जो अज्ञान चेतना है पहली गाथा का हुआ, फिर एक दो प्रकार की है कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, फिर दूसरा अर्थ जो लिखा दूसरी पंक्ति में वो कर्म चेतना का, और तीसरी पंक्ति में कर्म फल चेतना का। इसमें ज्ञान से अन्य भावों में ऐसा जानना मानना कि मैं इनका करता हूं कर्म चेतना है, ज्ञान से अन्य भावों में पर पदार्थ में हो गए ना, और ऐसा मानना कि मैं इनका भोगता हूं कर्म फल चेतना है। माने इसको उन्होंने व्यवस्थित करके सामने रख दिया कि इन तीन गाथाओं में हमने क्या बात कही। पहली गाथा कॉमन है और इसलिए उसका नाम रखा ज्ञान चेतना वाली, और फिर दो गाथाएं अलग अलग हैं कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की। यह समस्त अज्ञान चेतना संसार संसार की बीज है, क्योंकि संसार के बीज रूप जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, यह अज्ञान चेतना उनका बीज है। मैंने 8 कर्मों को यह बांधती है, और वे कर्म संसार के बीज हैं, और ये उनका बीज है, इसलिए बीजों का बीज है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, प्रलय के लिए नहीं नाश करने के लिए, प्रलय नाश में तो समझते नाश में तो कुछ बचा रहे, वो तो प्रलय हो जाए सब साफ हो जाए के लिए, जड़ मूड से उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को, और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर बारंबार भाकर स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को सदा ही नचाना चाहिए भाना चाहिए। ये असली मुद्दे की बात यहां शुरू हो गई। अब मैं ये चलेगी अभी बहुत लंबी। यहां से मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, ये है हमारा असली काम, असली मोक्ष मार्ग के लिए करना है, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, कि कर्मों के नाश के लिए नहीं कहते, इसके नाश के लिए कर्मों से संन्यास की भावना, कर्म और कर्म फल इन दोनों से संन्यास की भावना को नचाओ और ज्ञान चेतना की भावना को जगाओ। क्या कह रहे हैं भाई, इतने ये संसार का रास्ता है, ये मोक्ष का रास्ता है, करने का काम क्या है। अभी बहुत क्रियाकांड है, पूजा पाठ यात्रा तीर्थ व्रत उपवास तपश्चर्याएं जो भी बहुत उनको किसी को यहां पर जगह नहीं, कि दूर से भी झांकने नहीं दिया। भाई इतना कह दिया कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की भावना को हटाओ और ज्ञान चेतना की भावना को जगाओ। इन गाथाओं
ये स्वामी जी का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें अच्छा है। ज्ञान से अन्य ऐसा जो कहा वह उस ज्ञान का अर्थ आत्मा है, ज्ञान गुण नहीं, माने आत्मा अपने आत्मा से भिन्न। भाई शुभ और अशुभ भाव सभी आत्मा से अन्य हैं, जुदे हैं, उनमें अपनेपन का अनुभव करना अज्ञान चेतना है। यह अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। भगवान आत्मा के सिवाय अन्य पुण्य पाप के विकारी भाव को मैं करता हूं ऐसा अनुभवना मानना कर्म चेतना है। और यहां कर्म शब्द का अर्थ जड़ कर्म की बात नहीं लेना, शुभाशुभ भाव रूप भाव कर्म की बात लेना। तथा विकार में हर्ष शोक का वेदन करना एक कर्म फल चेतना है। क्या विकार में माने क्या? देखो भोगने का भाव हुआ तो उसमें हर्ष का भाव भी होता है और दुख का भाव भी होता है। हर्ष का भाव कैसे होता है? भूख लगना ये विकार है क्या? अविकार। तो भूख नहीं लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं ना, क्यों तो खाने का मजा नहीं है। तो भूख लगने के लिए दवा खाते ना, मैंने उसी में हम दुख मना रहे और वो लगे, और फिर कभी ज्यादा लगे तो उसको बुरा भी मानने लगते हैं, है ना। देखो समस्त शुभाशुभ भावों को करने रूप और भोगने रूप परिणाम संसार के बीज हैं, 84 लाख योनि में भटकने के बीज हैं, क्योंकि आठों ही कर्म अज्ञान चेतना के बीज हैं। राग से भिन्न करके भेद ज्ञान के अभ्यास द्वारा मैं तो शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वरूप प्रभु हूं, अंतर में ऐसी प्रतीति व अनुभव करने का नाम ज्ञान चेतना है और वह धर्म है। आत्मा शुद्ध एक चैतन्य सत्तापने अंदर में विराजमान है, उसमें स्वसन्मुखता करके उसी का अनुभव करना भगवती ज्ञान चेतना है और वही भवच्छेद का उपाय है। ये स्पष्ट कह दिया कि ये मोक्ष का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है। ये सिर्फ ये तीन चेतनाओं के अंतर्गत उन्होंने समाहित करके बात बताई। जरा और कठिन बात कर, कठोर बात, कठिन नहीं कठोर, कि शुभाशुभ भाव यदि करने लायक नहीं है तो छोड़ने लायक भी तो नहीं है, क्योंकि ये सम्य दृष्टि के भी तो होते हैं। देखो ये कहते हैं शुभाशुभ भाव दोनों ही को, शुभ भाव को तो सारा जगत कहता ही है, ये तो शुभाशुभ भाव कैसा वो ग्रस्त की भूमिका में तो होनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि भूख नहीं लगे तो उसका इलाज कराते हैं, ऐसी पांचों इंद्रियों के विषय के भोगने की क्षमता कम हो, वो भोगने का भाव कम लगे तो सब का इलाज कराते हैं। उस सबको हम बीमारी समझते हैं, है ना, उसको हम अपना स्वास्थ्य नहीं समझते हैं। पांच इंद्रियों के खूब अच्छी तरह भोगने का भाव हो गए और खूब जम के भोगे तो उसको हम ठीक समझते हैं। तो इस तरह शुभ और अशुभ दोनों ही भाव हो गए ना, कहते इन दोनों भावों को बिल्कुल छोड़ने लायक तो नहीं है। देखा तो कहते अरे भाई सर्व शुभाशुभ भाव छोड़ने लायक ही हैं। 108वें कलश की टीका में पांडे राजमल जी ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। देखो क्या किया कि यहां कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप या आचरण रूप जो चारित्र है, जिसे व्यवहार चारित्र कहते हैं, यदि वह करने योग्य नहीं है तो छोड़ने योग्य भी तो नहीं है। उत्तर इस प्रकार है कि वर्जन योग्य है, छोड़ने योग्य है, कारण कि व्यवहार चारित्र, तो यद्यपि वो व्यवहार चारित्र नाम है उसका, यद्यपि व्यवहार चारित्र होते हुए भी सुनो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। ये तीन समय लिखा कलश टीका में। कौन किसके बारे में कह रहे जी? अनुवृत महाव्रत के बारे में। जो भी व्यवहार चारित्र है, जो भी स्वभाव रूप है, विशुद्ध परिणाम रूप है, हैं, जो भी अच्छे से अच्छे कर्मबंध का कारण है, हैं, जिसके कर्मबंध की बात सुनकर के मुंह में पानी ललचा जाए, तो वो कहते कि नहीं नहीं तो नहीं है, कहते नहीं, तीन
छोड़ने लायक है, वर्जन करने योग्य है, माने छोड़ो ऐसा कहने लायक है, और क्योंकि वो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है, आत्मा का घातक है। अब बोलिए, ये बात कोई किसी स्वामी जी की है? ये 400 बरस पहले इसी जयपुर के पास में बैराठ में लिखी गई बात है। बैराठ जानते, बैराठ नगर, ये अलवर के रास्ते में है। यहाँ से दिल्ली के रोड पे जाओ ना, शहपुरा से फिर मुड़ जाते हैं तो वहाँ बैराट नगर आता है। वहाँ 400 वर्ष पहले बनारसी दास के भी पहले ये बात लिखी गई। इसलिए कह रहा हूं कि स्वामी जी पे किसी जो विद्वान कहता है हम उनके नाम में मर देते हैं और सब एक मत विरुद्ध होकर के इनने अपना मत चलाया है, अपना मत चलाया। क्योंकि यदि पुरानी मान लें तो फिर जनता नहीं मानेगी हम इसकी, और किसी एक नए आदमी के नाम पे कहें कि ये कहता है और गलत है तो चल जाती है। इसलिए ना इसमें क्लियर लिखा है। और ये देखो, एक कांजी स्वामी का पेज एक नंबर डाला, प्रवचन रत्नाकर भाग 10वें भाग पर प्रश्न नंबर 50 और 51 पर लिखी है। तो उन्होंने तो राजमल जी के नाम से लिखी है, उन्होंने तो बोली है, तो राजमल जी के नाम से बोली ना। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जिसे आप स्वभाव कहते हैं, विशुद्ध कहते हैं, व्यवहार चारित्र नाम शास्त्र में लिखा है, अभी वो अनुवृत महाविद जिसमें है, उसको दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। अब देखिए, अब हमें इनसे छूटना है, तो इनके छूटने के लिए हम क्या करें फिर? तो कहते हैं वो ज्ञान चेतना की भावना न चाहो। अभी जितने जितना अंदर में अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, ऐसा जितना घुमाया, अब उतने जितने जब तुमने ये रटा है उतना ये रटना पड़ेगा कि अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं, ऐसा कहो कहने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब जिन लोगों ने उसे अच्छे कहा, देखो सुनो रमेश, वे अच्छे थे नहीं ना, पक्की है, फिर अच्छे कहा, उनको कोई नहीं कहता है कि तुम अच्छे मत कहो, और वे अच्छे नहीं हैं, और हमने वो अच्छे नहीं है कहा और आगम का प्रमाण दिखा करके, तो भी हमारा गलत है। इसलिए कहता हूं तुम लोगों को कि तुमने कैसा काम चुना है, समझ लो खतरनाक। मैं ये कहता हूं कि जो काम समझाने का हमें मिला है, इससे उल्टा समझाना होता तो हम इससे 10 गुनी कम मेहनत में 10 गुने ज्यादा लोगों को समझा देते और उनके गले उतार देते। क्या गंगा जी का पानी गंगोत्री से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक जाने में कुछ नहीं है, वो तो वहां से निकला तो अपने आप ही पहुंच जाने वाला है, वो जितना समय लगेगा वो लगेगा, बस खत्म है, एक पैसा खर्च नहीं होगा। और वो ही गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में से उतार लो और गंगोत्री में जाकर के डालो, है ना। तो एक घड़ा पानी ले जाए कोई आदमी तो कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे बताओ। ये अपना काम ऐसा है कि अपन को वहां से वहां ले जाना है वो पानी, तो नहीं करना हमको काम, हम तो वही करें ना, वहां से वहां ले जाने का, आराम से जाएगा पानी, हमारा नाम आ जाएगा कि हम ले गए, हम धर्मोपदेशक हो जाएंगे, 5-5 हजार आदमी आएंगे सुनने के लिए, जय जय नारे बोलेंगे, और कमल बन जाएगा, कमल पे आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, सब सब दौड़ेंगे, क्या भाई, और ये काम वाले कौन कौन कौवे उड़ेंगे, कोई देखने दूर सुनने वाला नहीं मिलेगा हमें, तो तुम मिल रहे सुनने वाले, तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये सोचो। लेकिन ये काम करना कि नहीं करना, नहीं तो धर्म ही खत्म हो जाएगा, ये गायब हो गया तो जैन धर्म खत्म। तो ये काम, इस काम के बिना काम नहीं चलेगा रमेश, है? ये बरसात कैसे होगी, हिमालय में पानी आएगा कहां से? पानी का तो जैसे फब्बारे में ऐसा घूमता है ना, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ऐसा घूमता है ना, वही पानी ये समुद्र में से ये पानी
उठता है वो धूप से, गर्म धूप से उठ करके बादल बन के आकाश में जाता है, समझे ना, और वहां से जाकर के बंगाल की खाड़ी से वहां से लेकर के इस ऊंचाई की तरफ, हिमालय की तरफ, इतने ऊपर से उधर से इधर को आता है और आकर के हिमालय के ऊपर जाकर ठंडे जगह में बर्फ के रूप में जम जाता है और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाटर बन के वहां से समझ का वो खारा गंदा पानी, कितनी गंदगी, सारे देश की गंदगी गई थी ना और समुद्र में सब इकट्ठी हो गई थी, और उसी समुद्र में से इस पानी को उठाकर और उसको डिस्ट्रिक्ट वाटर बनाकर और हिमालय की चोटी तक पहुंचता है, कितना पहुंचता है, एक आध घड़ा इन नदियों में जितनी ये बाढ़ आती है ना सब वो पानी समुद्र से ही उठ के वहां गया है, और एक ऐसा चक्र चलता है, ज्यादा दिन नहीं लगते, एक साल में घूम जाता है। अभी गर्मी आएगी तो उठेगा मुझे गर्मी से तप तप के, उठ के इधर आएगा और जब उधर पहुंच जाएगा वो ठंडक होगी, फिर बर्फ वो जम जाएगा, आएगा फिर पिल गएगा तो फिर वो बरसेगा, जब बीच बीच में बरसता जाएगा, सारे खेत को सींचेगा, आपके कुएं में पानी लाएगा, तालाब भर देगा, क्यों, खेतों वृक्ष जंगल के उन्हें पालता पोसता होगा, और फिर बचेगा तो वहां पहुंच जाएगा और फिर लौट के वहां से जाके बचेगा तो नीचे जाएगा, ऐसा चक्कर चलता है, कोई चलाता है ना, ऐसा हमको चलाना पड़ेगा। इंसान बंगाल की खाड़ी में से गंगोत्री में पहुंचाने का काम, ये समझाना कितना है कि दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है कौन, इसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। निश्चय चाहत की तो खबर ही नहीं है, निश्चय चाहत की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ज्ञानी को भी राग का विकल्प आता है, स्टेम हो गया, ज्ञानी को भी राग का विकल्प आता है परंतु उसे निरंतर ऐसा भेद ज्ञान बरतता है। देखो विकल्प आता है उसका, राग का राग भी आता है लेकिन अंदर में कि ये मैं नहीं हूं, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, है ना, मैं इससे भिन्न हूं, भेद ज्ञान के ऐसे उग्र अभ्यास से ससन्मुखता स्वरूप ससन्मुखता होती है, इसलिए हे भव्य सकल कर्म की और सकल कर्म फल की भावना का त्याग कर स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को सदा भावो, ये धर्म है। अब एक दृष्टि से बहुत कठिन लगता है और एक दृष्टि कितना सरल है, ना इसमें भूखे रखने का काम है ना इसका काम है, अब शांति से बैठ करके इस भावना को नचाना है, चाहे बीमार हो, चाहे अच्छे हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे कम सुनाई देता हो, क्या फर्क पड़ना है। यदि आपके ख्याल में ये बात आ गई तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, बस ये भावना नचाना है, तो क्या करना है, समाय करने में नमोकारमंत का पाठ करना, कि भक्तम्बर जी का पाठ करना, और भक्तम्बर जी 148 छंद याद करना पड़ेंगे ना, कुछ नहीं करना है, कोई नो बोझा बोझा माथे पे, बस मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं और मैं न परका करता धरता नहीं हूं। अभी मैं ये कहूंगा कि भाई ये गीत पढ़ लो तो कहोगे अच्छा सब छोड़ करके, नवकारमंद छोड़ करके तुम्हारा गीत पढ़ लो, क्यों वो धर्म हो जाएगा। अरे बेटे गीत नहीं है, हमने जिस बात को समझा है कि ऐसी भावना को नचाना वो हमने लिख दी है, उसमें हमारे बाप की थोड़ी है, क्यों एक तो मत तो फिर करते तो भोगते तो वही तो छोड़ा है उसने, पढ़ो पूरा ज्ञानानंद स्वभावी, क्या वो ज्ञानानंद स्वभावी पर भी एक पूरी किताब लिखी जा सकती कम से कम 200 पेज की, तो प्रवचन भी किए जा सकते हैं एक महीने तक लगातार, क्या इतना विषय मेरे दिमाग में भरा है, वो समय सारा आ गया उसमें। देखो जिनको अंतरंग में सिद्ध पद को प्राप्त करने की भावना हुई, देखो सुनो, उनको आचार्य फरमाते हैं कि हे मोक्षार्थी
तुम सकल कर्म फल के सन्यास की भावना को नचाकर, समस्त कर्म के फल के सन्यास की भावना, क्या मतलब 148 प्रकार का जो कर्म है जिसमें तीर्थंकर का प्रकृति भी है, उससे सन्यास की भावना को जगाओ, यानी वो हमें छोड़ना है, अब हमें तो बांधना है। उच्च गोत्र का क्या है, निज गोत्र का क्या है, उच्च गोत्र का क्या है, उच्च गोत्र निज गोत्र का शुभ नाम का क्या है, फलां साता वेदनी का क्या, 24 घंटे साता वेदनी बने असाता वेदनी, इसमें ही मर रहे हम, हमें छात की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, बस हमको थोड़ी अनुकूलता मिल जाए। क्यों, अभी ये गर्मी के दिनों में वो ये पंखा चल रहा है, अभी लड़का जो इस पंखा इस पंखे के बीच में बैठेगा उसे हवा नहीं कम आएगी, इधर बैठेगा उसे अच्छी आएगी, इधर आया बैठ बैठ कदम मजा आ गया, ये पंखा की हवा में कि हमारे प्रचन में मेरा साता वेदनी का होता है, मतलब जरा सी साता जो शास्त्र में लिखा ना कि धूप में बैठ के ध्यान करते थे, मतलब उन्होंने इस साता असाता की परवाह नहीं की, उसका नाम काय क्लेश नाम का तप है, काय क्लेश जबरदस्ती भोगा उसका नाम नहीं है, जो लिखा ना कहाँ गया, जिनको वे मोक्षार्थी जीव सकर खरम कर्म फल के सन्यास की भावना को नचाकर अपनी स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को ही सदा नचाओ, ज्ञान चेतना रूप होकर सतत प्रणमन करो, भगवान आत्मा का सुसंवेदन करके ज्ञान व आनंद के वेदन में ठहरो, इस भगवती ज्ञान चेतना को ही सदैव नचाओ, क्योंकि यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, भगवती ज्ञान चेतना कहो या भगवती प्रज्ञा कहो दोनों एक ही बात है, ये है मोक्ष मार्ग पर खत्म, ये करने योग्य कार्य है। अब ये हमको दिखता ही नहीं है, किसी की समझ में ही नहीं आता है, तुम पूरा हिमालय से और कन्याकुमारी तक जाओ, कोई बात ही नहीं है, कहीं चलते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि ये धर्म है, क्योंकि उनके पास तो बहुत धर्म है, उनको खुद ही नहीं करनी है, उनमें ये देखेगा इसमें धर्म नहीं है, तो जितनी भी आलोचना आचार्यों को करनी पड़ती है ना शांति जी, वो तो इसलिए करनी पड़ती है कि उस वहां से हटता नहीं उपयोग, तो इसकी खोज नहीं होती है, तो तुम उस ये धर्म नहीं है ऐसा मानो तो इसकी खोज करो। देखो अब ये जो भावना को नचाओ का आदेश दे रहे ना, अब वो नचाने की बात चलेगी पूरी, ये समझो परम समाधिमान की बात है, सामायिक की बात है, असली धर्म की बात है, जितने दिन चलेगी। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों अज्ञान चेतना रूप होने से हे हैं और ज्ञान चेतना परम उपादेय है। विगत गाथाओं में और उनकी आत्मघाती टीका में भगवती ज्ञान चेतना को नित्य नचाने की प्रेरणा दी गई है, उक्त प्रेरणा को स्वयं ही अपना कर यहाँ आचार्य अमृतचंद देव पद्य और गद्य के माध्यम से ज्ञान चेतना का नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भूत भविष्यत वर्तमान कालीन कर्म चेतना संबंधी भूलों को प्रतिक्रमण कल्प आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प के माध्यम से मन वचन काय कृतकार अनुमोदना को से त्याग करने की बारंबार भावना भाते हैं, और 148 कर्म प्रकृतियों के फल के त्याग रूप कर्म फल चेतना संबंधी भूलों के त्याग की भावना भाते हैं। ये चलेगा प्रकरण।